जनपद फतेहपुर के खागा कोतवाली के अंतर्गत कल्लनपुर गांव में दहेज की मांग को लेकर के पति सहित ससुराली जनों ने नवविवाहिता की हत्या कर शव को भूसे के जाल में बांधकर थाना सुल्तानपुर घोष क्षेत्र के इजुरा गंगा घाट में फेंक दिया। पीड़ित पिता ने बताया कि उनके पास दो दिन पूर्व बेटी की जेठानी रति देवी ने फोन कर बताया कि तुम्हारी बेटी सुबह घर से निकल गई है, अब तक घर नहीं आई। इसके बाद दोबारा मैंने बेटी को दोबारा फ़ोन कर नाती के बारे में पूछा तो जेठानी ने कहा कि वह हमारे पास है और बेटी का कुछ पता नहीं चला, जिसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घर में दबिश दी तो वहां कोई नहीं मिला। रिश्तेदारों से जानकारी मिली कि जेठानी रति व नंदन सोमवती असोतर लखनहा गाँव में हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो जेठानी और नंदन ने पूरे मामले का खुलासा किया, बताया कि बेटी की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने जेठानी नंदन व एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पिता ने आरोप लगाया है कि ससुराल जन दहेज में 3 लाख रुपए और एक बाइक की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर के बेटी को आए दिन मारा पीटा करते थे। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया न्यूज। दहेज के पीछे लड़की मारी गई, कैसे क्या हुआ? मां 3 लाख रुपए एक मोटरसाइकिल मांग रहे थे, न देने के कारण लड़की मारी गई है और इतनी बेरहमी से मारा है कि देखने वाले तरस खा गए। तो हम लोग जब फोन आया है, जब कल्लनपुर गांव पहुंचे हैं तब वहां प्रशासन भी पहुंच गई है साथ, और घर में देखा ताला टूटा हुआ था, प्रशासन तोड़ डाले थे। एक बार अंदर तक गए, अंदर जमीन पूरी खोदी पड़ी थी, तो हम लोगों को शंका हो गई कि लड़की मार गई। इसके बाद लखना गांव उसकी ननद और भाव जेठानी लखना गांव पहुंची, तो वहां से आदमी लगा के फोन हुआ था कि ये लखना गांव आ गई है, तो वहां भी प्रशासन का उनको पकड़ लाई है। प्रशासन वहां भी मारा है, थाने भी मारा है, तब वो बताया है कि उनको मार करके झाल में भर के गंगा किनारे मेरी बुढ़िया और सारजन फेंक आए। किस स्थिति मिली है सो बेटी का? बहुत खराब स्थिति मिली थी, हम लोग साथ गए थे, झाल में भर के पहले भूसा भरे, फिर उसके बाद बाड़ी भर दिए थे, इसके बाद फिर भूसा भरे और फिर इसके बाद मच्छरदानी एक साड़ी लगा करके पूरा मुँह कस दिए थे और गंगा किनारे बिल्कुल झाड़ी किनारे रख दिए थे। अब क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? अब यही मांग सर है कि हमको न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल जैसे हमारी लड़की की दुर्दशा भाई है वैसे उन लोगों के साथ दुर्दशा होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव भूषण है। अभी तक इसमें कोई गिरफ्तारी हुई? प्रशासन क्या सहयोग रहा? प्रशासन भी सहयोग बढ़िया दे रही है, 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब 4 गांव फरार है। कि जब मैं काम कर रहा था तो उन्हें जिठान फोन किया मेरे पास कि आपकी लड़की 5 बजे यहाँ से सुबह भाग गई, क्या आप घर पहुँची? मैंने कहा ठीक है, मैं अभी काम पर हूँ, अभी घर का फ़ोन करके बात करता हूँ फिर बताता हूँ। घर का मैंने फ़ोन किया, क्या बेटी संध्या घर पर आई है? घर के बोले नहीं बेटी संध्या आप यहाँ घर नहीं आई। फिर मैंने उन पर फ़ोन किया, संध्या बेटी अभी नहीं पहुँची, मेरा नाती गोलू कहाँ है, जो बच्चा 2 साल का है, उसने कहा बच्चा मेरे पास में है। मैंने कहा अगर बच्चा आपके पास में तो मेरी बेटी संध्या कैसे आ सकती है यहाँ? फिर मैंने कहा ठीक है, अगर शाम तक मेरी बेटी आती तो आती है, नहीं तो मैं शाम को प्रशासन द्वारा मैं खबर करूँगा करके कहाँ मेरी बेटी है। फिर जब शाम हुई मैंने घर गया काम करके, बेटी पता लगी कि बेटी घर पर नहीं आई। फिर मैंने शाम को प्रशासन को लिया साथ में, यहाँ से फ़ोन किया करवाया गया प्रशासन को, प्रशासन वहाँ पहुँच गई, मैं भी गया यहाँ से। प्रशासन वहाँ पहुँचते हुए लड़की खोज करने लगे, इसके बाद लड़की की को मार करके मुझसे 3 लाख रुपया मोटरसाइकिल मांग कर रहे थे दहेज, जो कि जितना दहेज दिया हूँ उतना दहेज में वो लोग राजी नहीं थे। 21 नवंबर 2021 में मैंने शादी किया था लॉकडाउन में, उसमें ये लोग दहेज मैंने दिया, उस दहेज में ये लोग नहीं राजी थे। लड़की मेरे पास कई बार फ़ोन करती थी, जिसका नंबर उसमें लिखा हुआ है, उसी नंबर से उसी जिठानी के नंबर फ़ोन आपके पापा मुझसे बहुत सताया जा रहा है, मुझसे बहुत मारते पीटते हैं और दहेज 3 लाख रुपया एक बाइक मांग रहे हैं। मैंने कहा जब मैं मजदूर इंसान हूँ, कमाने खाने वाला इंसान हूँ, तो मैं कैसे दे दूँ आपको? इसी कारण मेरी बेटी फराया जा रहा था, मेरी बेटी बार बार फ़ोन करती रही। मैंने कहा बेटा ना मेरी बेटी बात करने फ़ोन नहीं देते, उसके लड़की के पास मोबाइल फ़ोन था, उसके जो सोमती है उसके पास मोबाइल, रलनी के पास मोबाइल, उसकी सास मुनिदेव पास मोबाइल था, मेरा दमाद सारदिन पास मोबाइल था, शिव सिंह पास फ़ोन था
और ससुर मनोज पास मोबाइल था, लेकिन मेरी लड़की से बात कोई नहीं करा रहा था। जब भी मैं फ़ोन करता था कि मेरी बेटी से बात कराइए, कहीं कहीं मैं हार रहे हैं, गेहूँ काट रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं बाजार में घूम रहे हैं, मेरी बेटी से बात नहीं होती थी। अब क्या हुआ, कैसे मौत हो गई? अब से ये दहेज न देने के कारण मेरी बेटी को मार करके जूरा घाट में मिट्टी मिली विजय की, जो कि वहाँ प्रशासन द्वारा सब वहाँ पर गए थे। किस अवस्था मिली थी बॉडी? बॉडी भूसे वाले झाल में, बॉडी को पहले भूसा भरे थे, फिर बॉडी भरे थे, बॉडी के बाद फिर भूसा, इसके बाद मच्छरदानी जो कि खून से भीजी थी, और उसके बाद धोती उस हाल और झाल का बोरा बांध करके उस हाल में बॉडी मिली। किस स्थिति में थी बॉडी? बॉडी माने हाथ पैर, हाथ टूटा, पैर टूटा, और आँख दोनों फोड़ दी गई है, दांत तोड़ दिए गए हैं, नाक भी बिल्कुल फोड़ दी गई है, और ओंठ बिल्कुल खराब कर दिए गए हैं। अब क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? अब सर मैं मांग करता हूँ कि जैसी मेरी बेटी मारी गई है, इसकी सजा उनके मिलने चाहिए। क्या नाम है आपका? बीरेंद्र।